हाय गाइस, मैं सुमन दोबारा आ गई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जो है आज राजीव चौक में हैं। देख सकते हैं हमारा सा प्यारा सा झंडा इंडिया का भी, आप प्राउड टू बी एन इंडियन लाइक। सो 15 अगस्त के लिए हम यहाँ पे आए हैं पब्लिक के व्यूज जानने के लिए कि उनकी क्या राय है इंडिपेंडेंस डे को लेकर। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। क्या करते हो? सबसे पहले जनगणमन करता हूँ। छुट्टी होती है, घर पे रहते हैं। छुट्टी मिलती है, झंडा फहराते हो। टाइमिंग्स होती हैं, उस टाइम पे तो नेशनल एंथम में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी नॉर्मल रूटीन चलता है। एक्चुअली हम फ्लैग को सैल्यूट करते हैं, नेशनल एंथम करते हैं सुबह सुबह, और सबसे अच्छी बात औरों को मोटिवेशन देते हैं कि कैसे हमारे देश के जो क्या कहते हैं वो होते हैं, कौन होते हैं, भगत सिंह और वो सब, उन्होंने कितना सैक्रिफाइस करा हमारे देश। हाँ, यस, करेक्ट। हमको इंडिपेंडेंस कब मिला था? 15 अगस्त 1947। यू नो 66 हो गए सर, नहीं 7, 51 ईयर, मतलब कितने सालों के बाद बना रहे हैं। हाँ, कौन सा इंडिपेंडेंस डे है ये? कौन सा है? 76। गलत होगा, 70 के आसपास ही होगा कुछ। आप बताओ। 73। हाँ, एंड हमें इंडिपेंडेंस डे कौन से ईयर में मिला था? अब लगा लो हिसाब। वंदे मातरम। दिल्ली का कैपिटल भी है क्या? लिटरली कहाँ खड़े अभी अपन? NCR में खड़े अपन तो। We are outsiders, that's why हमको इतनी नॉलेज है। नहीं नहीं, चांदनी, आई थिंक रेड किला पास होगा। अरे पागल है क्या? क्या हो रहा है? न्यू दिल्ली नहीं, इंडिया। तू पागल है? कैपिटल ऑफ दिल्ली। नेशनल सॉन्ग किसने लिखा था? आई डोंट नो। अरे उसने लिखा था, ओ किसने लिखा था पता नहीं। नहीं नहीं, पता। सो गाइस, जैसे आपने देखा इस वीडियो में हमने कितने सारे क्वेश्चंस पूछे, सर जस्ट जनरल क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए आपके न्यू न्यू आइडियाज जो भी है इसके रिगार्डिंग। प्लीज़ इसका मस्ती मैटिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।